Hello everyone, in this video we will do multiple choice questions based on shorting. So let us start with the first question. Which of the following shorting algorithms is the fastest for shorting the small arrays? Small arrays ko short karne ke liye kaun sa shorting algorithm sabse fast hai? To yahan pe aapka answer hai insertion short. Insertion short mein aapke arrays ko two parts mein divide kar diya jata hai. One aapka short array hoga and one aapka jo unshorted array hai wo hoga. Right, jo aapka shorted array hoga wo empty hoga. To unshorted array ke element को वन बाय वन कंसीडर किया जाएगा, जज किया जाएगा और उनको शॉर्टेड एरे में एट द करेक्ट पोजीशन इंसर्ट कर दिया जाएगा. इससे क्या होगा, जो लिस्ट है वो शॉर्टेड एरे की क्रिएट हो जाएगी. राइट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन शॉर्ट ओवर अदर शॉर्टिंग टेक्निक. सिलेक्शन शॉर्ट का दूसरी शॉर्टिंग टेक्निक से क्या एडवांटेज है, वो उनसे बेटर क्यों है? तो इसका आंसर है इट रिक्वायर्स नो एडिशनल स्टोरेज स्पेस. सिलेक्शन शॉर्ट को एडिशनल स्टोरेज स्पेस नहीं चाहिए होता है. सिलेक्शन शॉर्ट क्या है, एक इन प्लेस शॉर्टिंग एल्गोरिदम है. राइट, जहाँ पर क्या होता है शॉर्टिंग उसके प्लेस पर ही हो रही है. यहाँ पर क्या होता है, एरे में से या जो भी आपकी सीक्वेंस है उसमें अगर आपको उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग जिस भी फॉर्म में आपको उसको अरेंज करना है या शॉर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो उसको आपको असेंडिंग में शॉर्ट करना है, तो आप सबसे जो मिनिमम एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट है, आप उसको फाइंड आउट करोगे और उस एलिमेंट को आपको आप फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर दोगे. राइट, तो यहाँ पे क्या है, एरे के अंदर ही शॉर्टिंग चल रही है. ये कौन सी शॉर्टिंग है, इन प्लेस शॉर्टिंग है, इसलिए यहाँ पे एडिशनल स्टोरेज स्पेस नहीं चाहिए. ओके, व्हाट इज़ एन एक्सटर्नल शॉर्टिंग एल्गोरिदम. एक्सटर्नल शॉर्टिंग एल्गोरिदम कौन सी होती है, तो इसका आंसर है ए, एल्गोरिदम डेट यूजेस टेप और डिस्क ड्यूरिंग द शॉर्ट. वो एल्गोरिदम जहाँ पे एक्सटर्नल डिस्क का यूज़ किया जाता है. राइट, वो कौन सी होती है, एक्सटर्नल शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होती हैं. राइट, व्हाट इज़ एन इंटरनल शॉर्टिंग एल्गोरिदम. इंटरनल शॉर्टिंग एल्गोरिदम कौन सी होती है, तो इसका आंसर आपका बी है, एल्गोरिदम डेट यूजेस मेन मेमोरी ड्यूरिंग द शॉर्ट. जहाँ पे मेन मेमोरी का यूज़ किया जाता है, किसी एक्सटर्नल डिवाइस का यूज़ नहीं किया जाता, वो इंटरनल शॉर्टिंग एल्गोरिदम होती है. राइट, अब आपका है क्वेश्चन फाइव. द गिवन एरे इज, आपके पास एरे दिया गया है. द नंबर ऑफ आइट्रेशन इन बबल शॉर्ट एंड सिलेक्शन शॉर्ट रिस्पेक्टिवली आर. नंबर ऑफ आइट्रेशन आपको बताने हैं बबल शॉर्ट में कितने होंगे. तो यहाँ पर बबल शॉर्ट में देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 है. तो बबल शॉर्ट में जो आइट्रेशन होंगे वो 5 होंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एंड सिलेक्शन शॉर्ट में क्या होंगे, n माइनस 1. तो एलिमेंट्स आपके 5 हैं, तो n माइनस 1 5 माइनस 1 तो आपका हो गया ये 4. ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ आइट्रेशन बबल शॉर्ट में होंगे 5 एंड सिलेक्शन शॉर्ट में होंगे 4. तो आपका आंसर है ए. ओके, नाउ एडजेसेंट एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड एंड स्वैप्ड इन डैश टेक्निक. कौन सी टेक्निक में एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप किया जाता है, जो साइड बाय साइड एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में स्वैप किया जाता है. तो ये हमारा होता है बबल शॉर्ट में. ओके, बबल शॉर्ट में जो एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं उनको शॉर्ट किया जाता है. ओके, नाउ व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिदम. सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर है बी, ओ नोटेशन एन स्क्वेयर. राइट, एन स्क्वेयर. तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्सिटी सिलेक्शन शॉर्ट की क्या होती है, नंबर ऑफ स्वैप्स आपके आ गए. राइट, प्लस होता है नंबर ऑफ कंपेरिजन्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ स्वैप्स आपके एन स्वैप्स आ गए. राइट, एंड आपके एन स्क्वेयर कंपेरिजन्स आ गए. ओके, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या आ गई, ओ एन स्क्वेयर. राइट, नाउ द नंबर ऑफ स्वैपिंग्स नीडेड टू शॉर्ट द नंबर्स. आपको बताना है इन नंबर्स को शॉर्ट करने के लिए, बबल शॉर्ट यहाँ पे किया जाएगा इन नंबर्स का. तो नंबर ऑफ स्वैपिंग्स बतानी है कि आपको कितने स्वैप्स होंगे. ठीक है, ये हमारे पास लिस्ट है. तो फर्स्ट जो स्वैपिंग होगी, यहाँ पे हम फर्स्ट स्वैपिंग देखते हैं. यहाँ पे आपका 8 आ गया. राइट, देन आपका 7 आएगा स्वैप होके. ये आपका 7 स्वैप होके आया. 9, ओके 9 स्वैप होके आ गया आपका. ठीक है, ऐसे करके आएगा. देखो 7 आगे आ जाएगा, फिर 22 पीछे चला जाएगा, 22 पीछे चला जाएगा, फिर 9 क्या करेगा, फिर 9 उसको पीछे कर देगा और 9 आगे आ जाएगा. राइट, तो 22 आपका पीछे चला जाएगा ऐसे करके. राइट, 22 आपका पीछे चला गया.
देन आपका 5 है एंड देन आपका 13 स्वैप होएगा, ठीक है, ये आप करके देखना एंड देन आपका आएगा 31। ओके, तो यहाँ पे आपके 4 स्वैप्स हुए इस आइट्रेशन में। देन सेकेंड आइट्रेशन में फिर 7 आगे जाएगा, 7 आगे चला जाएगा यहाँ पे, तो 7 आगे आ गया, राइट, एक ये स्वैप हो गया। ओके, 8 अपने प्लेस पे आ गया, 9 अपने प्लेस पे रहेगा क्योंकि 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 5 है ये स्वैप कर देगा, आगे आ जाएगा 22 से आगे, ठीक है। तो 5 यहाँ पे आ गया, ये स्वैपिंग होगी, 22 पीछे चला जाएगा लेकिन 13 फिर उसे पीछे कर देगा, तो 13 भी स्वैप होके आएगा यहाँ पे। ओके, देन यहाँ पे आपका हो गया 22 और ये आपका हो गया 31। तो यहाँ पे आपके कितने स्वैप हुए, फर्स्ट में आपके 4 स्वैप हुए थे, सेकंड में आपके 3 स्वैप हुए, राइट। अब नेक्स्ट आइट्रेशन हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट आइट्रेशन में देखो, ये तीनों तो आपके एक लाइन में आ गए, 7 8 9, ठीक है, 7 8 9। अब 5 की स्वैपिंग करेंगे ना हम यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 8, अब 5 क्या करेगा, 9 को पीछे कर देगा, ठीक है, 5 आगे आ गया, तो यहाँ पे 5 स्वैप होके आ गया और 9 आपका पीछे चला गया, राइट, ठीक है, 9 9 13 22 एंड 31। तो इस वाले आइट्रेशन में एक ही स्वैपिंग हुई है आपकी, ठीक है, 1 स्वैपिंग हुई है। अब देखो, अब 5 8 को पीछे करेगा, 7 5 8 9, ठीक है। तो इसमें देखो, ये 5 को हम सर्कल कर देते हैं, यहाँ पे 5 ने स्वैप किया है, ठीक है, 13 और 22 आपका एंड आपका 31। तो यहाँ पे भी एक स्वैपिंग हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो, 5 आगे चला जाएगा यहाँ पर, 5 7 8 9 13 22 एंड 31, ये आपका शॉर्टेड आ गया है, एरे या लिस्ट जो भी आप कहोगे, यहाँ पे भी 1 स्वैपिंग हुई है 5 की, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्वैप टोटल कितने हैं, 4 प्लस 3 7 8 9 10, तो नंबर ऑफ स्वैपिंग कितनी हुई है, 10, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज 10। ओके, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बबल शॉट ओवर अदर शॉर्टिंग टेक्निक्स, दूसरी टेक्निक्स के ऊपर बबल शॉट का क्या एडवांटेज है, मतलब बबल शॉट उनसे बेटर क्यों है, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर है सी, डिटेक्ट वेदर द इनपुट इज ऑलरेडी शॉर्टेड। यहाँ पे बबल शॉट क्या करता है, रिपीटेडली स्वैपिंग करता है जब तक कि पूरी लिस्ट शॉर्ट नहीं हो जाती, राइट। तो अगर क्या होता है, इफ़ शॉर्टिंग इज कम्प्लीटेड इन अ सिंगल आइट्रेशन, अगर एक ही बार में, एक ही आइट्रेशन में पूरी लिस्ट शॉर्ट हो जाती है, तो यहाँ पे बबल शॉर्ट बता देगा कि इनपुट इज ऑलरेडी शॉर्टेड, राइट। तो बहुत जल्दी इजिली वो आपको बता देगा कि इनपुट जो है वो ऑलरेडी शॉर्टेड है, एक ही आइट्रेशन के अंदर वो बता देगा ये आपको, राइट। नाउ, अ शॉर्ट विच कंपेयर्स एडजेसेंट एलिमेंट इन अ लिस्ट एंड स्विचेस वेयर नेसेसरी इज, ऐसा शॉर्ट जो क्या करता है, एलिमेंट्स को कंपेयर करता है, राइट, एंड जहाँ पे नेसेसरी है एक एलिमेंट को जाना, वहाँ पे उसको स्विच कर देता है। तो ऐसा शॉर्ट आपका क्या है, इंसर्शन शॉर्ट है। इंसर्शन शॉर्ट क्या करता है, दो लिस्ट बना लेता है, एक शॉर्टेड लिस्ट और एक बना लेता है अनशॉर्टेड लिस्ट, राइट। वो क्या करेगा, जो आपकी शॉर्टेड लिस्ट है वो एम्प्टी है, अनशॉर्टेड लिस्ट में क्या है, अनशॉर्टेड एलिमेंट्स है। यहाँ पे वो अनशॉर्टेड एलिमेंट्स को एक दूसरे से कंपेयर करता है एंड अगेन उसको क्या करता है, इंसर्ट कर देता है शॉर्टेड लिस्ट में, राइट, एट द करेक्ट पोजिशन। ओके ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।